वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉल वाल्व तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉल वाल्व क्या होता है ये कैसे काम करता है तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो चलिए शुरू करते हैं बॉल वाल्व इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल वाल्व दैट इज़ वाइडली यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन बॉल वाल्व एक तरह का कंट्रोल वाल्व होता है जो इंस्ट्रूमेंटेशन में वाइडली यूज होता है दैट मीन्स बॉल वाल्व का यूज़ इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है बॉल वाल्व यूज़ अ होलो परफोरेटेड एंड पाइवटिंग बॉल टू कंट्रोल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू इट तो जो बॉल वाल होता है जैसा कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं एक होलो परफोरेटेड दैट मीन्स छिद्रित जिसमें कोई छेद हो एंड पाइवटिंग अपनी धुरी पर घूमने वाली एक बॉल होती है और वो जो है लिक्विड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं देखिए एक बॉल है जो हॉलो है और इसमें एक छेद भी है और ये अपनी धुरी पर घूम रही है द बॉल इज़ रोटेटेड टू स्टॉप एंड पास द फ्लो सो द वाल्व इज़ कॉल्ड द बॉल वाल्व अब यहाँ से आप देख सकते हैं देखिए बॉल रोटेट करती है और बॉल के रोटेट करने से फ्लो पास होता है एंड स्टॉप होता है तो बॉल का जो फंक्शन होता है वो फ्लो को पास करना एंड स्टॉप करना होता है अब क्योंकि बॉल घूम रही है इसलिए इसको बॉल वाल्व कहा जाता है तो मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बॉल वाल में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता है सम ऑफ द बॉडी मटेरियल्स में इंक्लूड तो जो बॉल वाल के बॉडी मटेरियल्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं स्टेनलेस स्टील ब्रॉन्ज ब्रास टाइटेनियम पीवीसी सीपीवीसी क्रोम तो बॉल वाल्व की बॉडी इन सब मटेरियल्स की बनी हो सकती है अब अगर बॉल वाल्व टाइप्स की बात करें तो बॉल वाल्व के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं मैनुअली ऑपरेटेड बॉल वाल्व एंड ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बॉल वाल्व अब ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बॉल वाल्व के भी दो टाइप होते हैं एक नोमेटिकली ऑपरेटेड होता है एंड एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है नोमेटिकली ऑपरेटेड बॉल वाल्व में एक नोमेटिक एक्चुएटर का यूज किया जाता है एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉल वाल्व में एक इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का यूज किया जाता है बॉल वाल्व ऑपरेशन अगर हम बॉल वाल्व के ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें मैनुअल बॉल वाल्व इज ऑपरेटेड बाई ए मैनुअल हैंडल अब जैसे कि मैनुअल नाम से ही क्लियर होता है कि मैनुअल बॉल वाल्व में एक मैनुअल हैंडल का यूज होता है तो मैनुअल बॉल वाल को हमें मैनुअली ऑपरेट कराना होता है एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो मैनुअली उसको ओपन कर सके एंड क्लोज कर सके नोमेटिकली ऑपरेटेड बॉल बाल अगर होता है तो नोमैटिकली ऑपरेटेड बॉल बाल में एक नोमैटिक एक्चुएटर की रिक्वायरमेंट होती है उस नोमैटिक एक्चुएटर की मदद से बॉल बाल ऑपरेट होता है तो फ्रेंड्स नोमैटिक एक्चुएटर पर हम एक वीडियो बना सकते हैं अगर आपको नुमैटिक एक्चुएटर पर वीडियो चाहिए नोमैटिक एक्चुएटर को एयर सप्लाई देने पर वो किस तरह से वर्क करता है तो हम उस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा नोमैटिक एक्चुएटर पर वीडियो बना दी जाएगी तो अगर हम मैनुअली ऑपरेटेड एंड नोमेटिकली ऑपरेटेड बॉल बाल्ब का कंपैरिजन करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं देखिए नोमेटिकली ऑपरेटेड बॉल बाल्व में एक नोमेटिक एक्चुएटर को सप्लाई देने के बाद में बॉल बाल्ब ऑपरेट होता है और बॉल बाल्ब फ्लो को पास एंड स्टॉप करता है मैनुअली ऑपरेटेड बॉल बाल्व में मैनुअल हैंडल को रोटेट किया जाता है मैनुअल हैंडल को रोटेट करने से फ्लो पास या स्टॉप होगा अब हम ये देखेंगे कि न्यूमेटिकली ऑपरेटेड बॉल वाल को एयर सप्लाई कैसे पहुंचती है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड बॉल वाल को ऑपरेट कराने के लिए तो जो न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है उसको ऑपरेट कराने के लिए एसओबी की रिक्वायरमेंट होती है एसओबी की फुल फॉर्म जो होती है सोलेनाइट वाल्व होती है सोलेनाइट वाल्ब्स आपके पिक्चर्स में शो किए गए हैं दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं सोलोनाइट वाल्वस दिखाए गए हैं एस ओ वीज ऑपरेटेड बाई ट्वेंटी फोर वोल्ट डी सी सप्लाई और टू ट्वेंटी वोल्ट ए सी सप्लाई अब जो सोलोनाइट वाल्व होता है जिसको हम एस ओ वी बोलते हैं वो ट्वेंटी फोर वोल्ट डी सी सप्लाई से दो सौ बीस वोल्ट ए सी सप्लाई से ऑपरेट किया जाता है तो एस ओ वी को ऑपरेट कराने के लिए फ्रेंड्स एक कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है कॉइल देखिए एरो से शो की गई है इन एरो से आप देख सकते हैं कॉइल शो की गई हैं तो जो सप्लाई होती है वो क्वाइल्स को दी जाती है कॉइल्स को सप्लाई देने पर एस के थ्रू नोमेटिक एक्चुएटर ऑपरेट होता है तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब न्योमेटिक एक्चुएटर की वीडियो को डिस्कस करेंगे तब हम समझाएंगे कि एस से किस तरह से न्यूमेटिक एक्चुएटर ऑपरेट हो जाता है नीचे वाली पिक्चर में डबल क्वाइल सोलोनाइट वाल्व शो सो किया गया है सिंगल क्वाइल सोलोनाइट वाल्व में एक ही क्वाइल का यूज किया जाता है जब इसको सप्लाई दी जाती है इस क्वाइल को जब सप्लाई दी जाती है तब ये सिंगल क्वाइल सोलेनाइड नाइट बल्ब नोमेटिक बाल बाल्ब को ओपन करने के लिए कमांड भेजता है और यहाँ से जब टू क्वाइल्स का हम यूज करते हैं तो एक क्वाइल का यूज वाल्व को ओपन करने के लिए किया जाता है एंड दूसरी क्वाइल का यूज़ वाल्व को क्लोज करने के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग